एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश का मौसम यूपी के अधिकांश हिस्सों से मानसून की वापसी, लेकिन अब फिर कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश का अलर्ट। अब सर्दी दिखाई गया सर, तो चलिए जानते कि किन किन जिलों में अब फिर हल्की कहीं मध्यम बारिश लोगों को सर्दी का एहसास कराएगी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर अब खत्म हो चुका है। मौसम की उठा पटक के बीच इस हफ्ते जहां उमस भरी गर्मी हावी रही, वहीं कहीं भी बारिश देखने को नहीं मिली। यही स्थिति आगे भी रहेगी। मौसम विभाग के ताजे अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है, इसलिए बारिश के तेवर ढीले होते होते अब थम गए हैं। हालांकि चक्रवाती स्थिति और अन्य कारणों से कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने आज किसी तरह की भयंकर चेतावनी नहीं जारी की है। इसके बाद बात करें अगर कल की, तो आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम कल भी शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वांचल में भी कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल के बाद अगले 36 घंटे तक लगातार कहीं हल्की कहीं मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि सामान्य तौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। इसी बीच अगर बात करें लखनऊ में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितनी रहने की संभावना है, तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों पर आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आम तौर पर मौसम अभी शुष्क बना रहेगा और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान 2 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद कोई बड़ा बदलाव होने का आसार नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 4-5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही कि लखनऊ से गुजर रही मानसून वापसी की रेखा। देश भर में मौसम प्रणाली की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य के शेष हिस्से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कोंकण के कुछ हिस्सों से संपूर्ण उत्तरी अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ भाग से वापस चला गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा लखनऊ, सतना, नागपुर, परवणी, पुणे और अलीबाग से होकर गुजर रही है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 जून से अब तक 6% कम बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 6 वर्षों में सबसे अधिक बारिश 2018 में हुई थी, तब सामान्य से 41% अधिक बारिश हुई। वहीं आपको बता दें कि 6% बारिश कम रिकॉर्ड की गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।